ये बताऊं कि आज कुछ देर में जो आज का सेशन है, आज और कल का, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे। अभी तक जो इतलात हैं वो शरीक होंगे, और वो शरीक होंगे वीडियो लिंक के जरिए जो इजलास हो रहे हैं, और हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि वो शरीक होंगे। आज जो G7 का जो इजलास है जिसमें US, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान इंक्लूड है, तो ये आप समझ लें कि ये चाइना का जो बढ़ता हुआ क्लाउड था उसको रोकने के लिए है। जो मैंने आगे 6-7 अहम एरियाज का जिक्र किया जहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, ये वो एरियाज हैं जहां, जैसे मैंने बताया कि इंडिया जो है वो एक एक अहम प्लेयर है इस हवाले से, इस खत्ते में। इंडिया इससे बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकता है, और वो एडवांटेज मिलेगा, जारी बात है कि अगर इंडिया जो है वो चाइना का मुकाबला करने के लिए इज ऑल सेट फॉर दैट, तो ऑब्वियसली जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका मुंह भी इंडिया की तरफ जाएगा, और सिर्फ इंडिया की तरफ नहीं जाएगा, खित्ते के बाकी ममालिक में जाएगा। रिसेंटली आपको याद होगा कि जो इंडिया अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, वो उन्होंने मालदीव्स में जाके आई थिंक अपनी एम्बेसी खोली, हालांकि उन्होंने कभी एम्बेसी थी वहां नहीं उनकी। सो इट मींस हाउ मच दिस रीजन इज गेटिंग इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंडो पैसिफिक। सो इंडिया के लिए एक बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया के अंदर भी जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी आएगी, और वो क्योंकि रेजिस्ट कर रहे थे वो सीपैक का या बीआरआई का, सीपैक का तो नहीं, लेकिन वो जिस तरह इंडिया बीआरआई का हिस्सा नहीं बन रहा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रेजिस्ट कर रहा था, तो वो जो रेजिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर इंडिया इन टर्म्स के इंडिया ये कह सकता है, और इंडिया कहेगा भी कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंडिया में आनी चाहिए, और वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन एफडीआई जो है वो यूरोप अमेरिका से ले रहे हैं, लुकिंग एट देयर इकोनॉमी, और उनका नॉट जस्ट फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड बट इवन फ्रॉम द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से भी काफी इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट में आ रही है। तो ये एक जिसे कहते हैं ना चीन का जोर तोड़ने के लिए, ये जितने भी ये डेवलप वर्ल्ड है, ये वैसे तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द G7 राइट नाउ, और कोई भेद नहीं है कि अगले कुछ सालों में या इससे पहले जो है इंडिया G7 का एक प्रॉपर हिस्सा बन के, जो D10 की बात हो रही है जिसको मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया आपके सामने, उसका हिस्सा बन सकता है व्यूअर्स। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो मल्टी ट्रिलियन डॉलर का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोग्राम था चाइना का, उसको पहला ग्लोबल काउंटर जो है वो आज G7 ने दे दिया। अभी ऑब्वियसली इसकी मटीरियल, अब इसके ऊपर बड़ी चहमगोइयां होंगी, पूरी दुनिया में डिस्कशन होगी, टीवी पे थिंक टैंक्स इस पे लिखेंगे, और टेक्निकली जो COVID-19 है दुनिया समझ रही है कि COVID-19 इज गॉन इन दैट सेंस कि उसकी वैक्सीन आ गई है, ओपन अप हो रही है दुनिया, और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन जो है रोल आउट करनी है, जैसे कि अमेरिका ने कहा है कि वो $500 million जो वैक्सीन है वो दुनिया में देंगे, जो एक बड़ा नंबर है। ऑब्वियसली वैसे तो 7 बिलियन की, 8 बिलियन की दुनिया की पॉपुलेशन है, लेकिन एक बड़ा नंबर है। बहुत सारे ममालिक अपनी वैक्सीन बना भी रहे हैं, इंडिया बना रहा है, चाइना बना रहा है, हर अब तो सब बनाना शुरू कर रहे हैं। ये आप समझे कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है या जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनके लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक आया है, लेकिन इन माय अंडरस्टैंडिंग ये बहुत लेट सेटबैक आया, ये उनको सेटबैक जो है वो पहले आना चाहिए था। अब अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं और बहुत सारे मुल्क हैं, हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम जिस तरह पहले फंसे हुए थे चाइना के आगे, हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी आई। पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे तो नहीं है जितने होने चाहिए थे, बिकॉज ऑफ उसमें हमारी अपनी भी कमजोरी है, लेकिन इंग्लैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यूरोप के साथ ताल्लुकात इतने मुनासिब नहीं है, जापान के साथ भी गुजारा है, अभी हमने जापान से अपना लोन माफ कराया है, तो इस हवाले से चीजें जो है वो कोई इतनी मुनासिब नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं चीजों को बेहतर अगर हम अपना ध्यान दें। सो ये एक एक रिलीफ आया है पूरी दुनिया के लिए, और ये जो रिलीफ है ये ऑब्वियसली एक अहम चीज है, एक अल्टरनेट वर्ल्ड अमेरिका खड़ा करना चाह रहा है, और ये जो अभी जो G7 लीडर्स बैठे हुए हैं ये ऑब्वियसली चाइना को टफ टाइम देना चाह रहे हैं कि वो जो वहां पे ह्यूमन राइट्स की बात होती है और जो चाइना के अंदर फोर्स्ड लेबर की बात होती है, इस हवाले से ये अगर मैं कहूँ G7 वॉज ऑल अबाउट काउंटरिंग चाइना, ब्रिंगिंग अ प्लान टू काउंटर BRI, ब्रिंगिंग अ प्लान टू स्टॉप
द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड टू द चाइना कि वो जो दुनिया में अपने फुटप्रिंट्स बना रहा था, डेवलप कर रहा था, उसमें उसको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इनिशिएटिव है. लेट सी अब ये कितनी देर में मैच्योर होता है. वैसे तो जो अमेरिकन ने कहा है कि ये 2035 तक ये प्लान है, कुछ ज्यादा नहीं है. ये अगले 14 साल में अगर $40 trillion की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो ये टर्न अराउंड कर देगा बहुत सारे ममालिक को और उनकी इकोनॉमीज को और वहाँ के लोगों को. और जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स चाहिए. लेट सी हाउ इट एंड्स एंड लेट सी हाउ दिस मनी रोल्स आउट इन डेवलपिंग वर्ल्ड. G7 से ये जो तीन मुल्क मजीद इसमें ऐड हुए हैं, ये G7 पहले G8 था, इसमें रशिया भी था. ठीक है, रशिया को निकाल दिया था 2014 में जब ये क्रीमिया वाला वाकया हुआ, लेकिन ट्रंप चाहते थे कि वो रशिया वापस आ जाए. पिछले साल तो खैर कोविड की वजह से नहीं, उससे पहले ट्रंप की ख्वाहिश थी कि G7 के इजलास में मतलब G7 G8 हो जाए. भाई G8 था शुरू में भी, G8 था कई साल तक, G8 रहा है. बहरहाल अच्छा, अब इशू ये है कि अब इसको G7 से अब ये D10 या D12 हो रहा है. ठीक है, क्योंकि जो मेहमान बुलाए गए हैं इसमें वो अब ये मईशतों पे नहीं, ये डेमोक्रेसी के ऊपर अब D10 और D12 इसका नाम रखने जा रहे हैं. इशू देखिए, मसला सारा ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है ना, जो पैसा लग रहा है, जो अमेरिका पैसा लगा रहा है, ये जो मगरिब पैसा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये ग्लोबलाइजेशन में इसको शामिल किया जाए. क्या ग्लोबलाइजेशन का ही दौर था ना ये, जो हम आज जो दूसरी जंग अजीम के बाद ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ. ठीक है ना, जिसमें वर्ल्ड बैंक बन गया, IMF बन गया, ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद, और ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गई. अब ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में जो है वो जनाब सफर शुरू हो गए, इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो गई, IMF ने लोन देने शुरू कर दिए, बड़े मुल्कों को फ्री मार्केट्स मिलनी शुरू हो गई. हमारे यहाँ भी जैसे होता है ना पाकिस्तान में भी कि जी यूरोप तक रसाई दी जाए, ट्रेड दी जाए, ये सारा वो ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन हो गई. लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक नजरिया थी, ये जहन में रखा, मतलब जितना हम समझते ग्लोबलाइजेशन एक वेपन था, और वो वेपन था फ्री मार्केट का, और ये कि दुनिया तिजारत करे आपस में, वो था सोवियत यूनियन के खिलाफ. सोवियत यूनियन अमेरिका जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड बैंक और इन्होंने एक अमेरिका ने कोई ठींगा खर्च नहीं किया अपना. अमेरिका ने कौन सा पैसा खर्च किया है भाई, लोगों से लिया है, लोगों को वापस कर दिए, असला बनाया है, उनको महंगा बेचे. अमेरिका ने कौन सा पैसा अपना, अमेरिका में कौन सी वो सुबह शाम मजदूरी करते हैं लोग और वो दुनिया का पेट पालते हैं, ऐसा तो नहीं होता. तो बात यह है कि वो एक वेपन था, ग्लोबलाइजेशन एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. और हमें इस थोड़ा सा इस बात को भी देखना चाहिए कि क्या ये, मतलब देखें ना, अमेरिका ने जैसे जंगें हैं मुख्तलिफ, तो अब अमेरिका ये, मैं लोगों से बात इस पर हुई भी तो वो कई दफा वो मान भी जाते हैं और जो अमेरिकन हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा वो चिढ़ भी जाते हैं. बात ये है कि इसमें अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क कौन से हैं. इत्तेहादी वो होते हैं जो आपके साथ होते हैं, तो अमेरिका कहता है हम आपके साथ हैं. अमेरिका साथ नहीं रहा किसी के, अमेरिका किसी से आगे भी नहीं रहा, अमेरिका अपने इत्तेहादियों के पीछे रहा है. यानी अमेरिका ने कहा उसको जाके पै जाओ, मतलब देखे ना ये अफगान जिहाद क्या था, ममालिक को आगे किया मकसद. अमेरिका किसी से लड़ा है कभी? मसला ये है कि उन्होंने कहा इसको पै जाओ, हम पीछे बैठे हैं ना, ये असला लो, पैसे लो, डॉलर लो, ये इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ा, इधर से किया, उधर से किया, उधर करके जनाब अरबों ने पैसा दिया. अमेरिका कौन सा पैसा, अमेरिका ने अपनी जेब से निकाला था ये अफगान जिहाद. इसी तरह से वॉर ऑन टेरर, भाई देखे ना हमारा इतना इतने ट्रिलियन खर्च हुआ, भाई क्या मतलब आपकी मजदूरी हुई वहां पे लोगों ने अपने पेट काट काट के, ये वॉर ऑन टेरर ऐसा तो नहीं हुआ ना, ये घुमाओ फिराओ, ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से उधर को कर करा के टुक. अच्छा अब मसला ये है कि इसको तो बतौर हथियार इस्तेमाल हुआ है. अच्छा उसमें बतौर हथियार में लोगों का फायदा भी हुआ है, लोग निकले, लोगों ने फिर इंडस्ट्रीज बनी, लोगों ने टेक्सटाइल बाहर भेजनी शुरू की. वो कपड़ा अमेरिका में अगर आप जाएं तो आज भी आपको श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यहां की मसनूआत आपको सस्ती मिलती हैं, और जाहिर लोकल. तो एक ग्लोबलाइजेशन का फायदा भी हुआ, लेकिन वो बतौर हथियार इस्तेमाल होता रहा सोवियत यूनियन के खिलाफ. फ्री मार्केट इकोनॉमी, घूमे फिरे, ये कर खुला हुए हैं लोग सारे, वीजे लगे हुए हैं जनाब, डका डक डक निकले हुए लोग सारे, ये सारा का सारा जो ढांचा. और मैंने आपसे पहले कहा ना कि अमेरिका इत्तेहादियों के, मुझे नहीं याद में आता कि कौन से इत्तेहादियों के आगे जाके अमेरिका लड़ा है या उनके साथ लड़ा है,
इत्तेहादी आगे लड़े हैं ना, आप जाके ना कोरिया के अंदर इधर उधर, मतलब आप मतलब ये सोवियत यूनियन के मतलब खिलाफ। कोई तो पीछे बैठे हैं, तो ईरान इराक हो गई, तो कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, उधर बेस चाहिए चले जो ऊपर जो बॉम्बिंग कर दी, लेकिन फिर बेस लेके बैठे। इशू ये है कि इस पूरी की पूरी ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिना है, इसको अमेरिका ने बड़ा बतौर हथियार इस्तेमाल किया। और ऐसा नहीं हुआ कि जेब से पैसे खर्च हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ, इसका फायदा भी हुआ अमेरिका को। अमेरिका भाई दुनिया भर में, ये यूनाइटेड नेशंस क्या बला है देखे ना, ये यूनाइटेड नेशंस, ये अब G7 में देखें, आप G7 और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का फर्क देखें। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में वो मुल्क हैं जो दूसरी जंग अजीम में जीत गए थे, वो है ना वो मुल्क, पांच वो मुल्क हैं। लेकिन दो मुल्क जो हार गए थे वो अकवाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन नहीं है, वो G7 के रुकन है। और वो कौन कौन थे? जापान, जिसके ऊपर दो न्यूक्लियर बम गिरा दिए थे अमेरिका ने, और जर्मन्स, जिनको चारों तरफ से आके फ्रांस और सोवियत यूनियन और बर्तानिया और अमेरिका ने शिकस्त दी थी। दो मुल्क उनमें से जो है वो बैठे हुए हैं G7 में, लेकिन दोनों जो है वो अकवाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। ठीक है, वहां रशिया और चाइना है। अब इशू ये इतना ये उलट पुलट करके दुनिया बन गई, ये जो मैं कह रहा हूं ना कि नया एक नया मोड़ लेंगे, नए इत्तेहाद बनेंगे, अब ये फेक है, ये फेक चीज है, ये दो नंबर चीज है। जो मैं आपसे बात कह रहा हूं ना कि अब मुझे ये बताएं, जो मैंने कल बात की कि 350 अमेरिकन हैं, 350 मिलियन, और 1.5 अरब जो है वो चाइना के लोग हैं। अच्छा, अगर एशिया को आप मिला लें, पूरे एशिया को, तो पूरे एशिया को मिला के 550 अरब तो लोग एशिया में रहते हैं, और बाकी कोई 2-2.5 अरब जो है वो रहते हैं मगरिब के, मगरबी ममालिक के अंदर। अब अमेरिका जो वो कहते हैं हम बेस्ट ब्रेन्स को हम ऐसा है ना, ये इसमें बहस हुई, वो कहते हैं कि जी आप ऐसा है कि क्यों कहते हैं कि वहां 1.5 अरब चाइनीज हैं, हम अमेरिका में 350